मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुल्तानपुर पहुंचे, जहां जनसभा को संबोधित किया और विपक्ष पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि 10 मार्च के बाद विपक्ष के लोग विदेश भाग जाएंगे, और क्या कुछ कहा उन्होंने सुनिए। चार चरणों के चुनाव के बारे में कुछ रुझान आपको बताऊं। चार चरणों के चुनाव परिणाम तो 10 तारीख को आएंगे, लेकिन रुझान अब तक बताते हैं, रुझान इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि विपक्ष के तमाम नेताओं ने अभी से विदेश भागने के लिए अपने टिकट 11 तारीख के बुक करा दिए। उन्होंने पहले से बुकिंग कर दी है, और इससे ज्यादा परिवर्तन और क्या हो सकता है। जो लोग पहले राम भक्तों पर गोली चलाते थे और अपनी जेब में तमंचा लेकर के राम भक्तों पर गोली चलाते थे, अब वे भी बजरंग बली की गदा लेकर के घूम रहे हैं। और भाइयों बहनों, आप देखना, इस चुनाव में जब वे बुरी तरह परास्त होंगे तो अगली बार वे अयोध्या में कार्य करते हुए दिखाई देंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।